पत्रकार पर झूठी शिकायत की और निष्पक्ष जांच, प्रेस क्लब गंज बासोदा। पत्रकार सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने किसानों की समस्याओं को लेकर खरीदी केंद्र के सर्वेयर से किए थे प्रश्न। खरीदी केंद्र के सर्वेयर को प्रश्न पूछना नागवार गुजरा। पत्रकार सुरेंद्र सिंह रघुवंशी के साथ अभद्रता करते हुए झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी गई। पत्रकारों के साथ किसान संघ ने भी दिया निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम को ज्ञापन। गंजवासोदा कुल्हार खरीदी केंद्र पर सर्वेयर के द्वारा किसानों और पत्रकार पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज प्रेस क्लब गंजवासोदा ने कलेक्टर और भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम निष्पक्ष जांच को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रकाश नायक को सौंपा है। ज्ञात हो इस बार सरकार ने चना में तेवड़ा मिश्रित होने और उसे खरीदने से साफ इनकार करने के बाद किसान अपनी चना की उपज को छानबीन कर खरीदी केंद्रों पर लेकर जा रहे हैं। ऐसा ही मामला 19 मई को कुल्हार खरीदी केंद्र पर आया, जिसमें किसानों ने इन्हीं अव्यवस्थाओं की जानकारी पत्रकार सुरेंद्र सिंह रघुवंशी को देते हुए बताया था कि खरीदी केंद्र पर राशि लेकर सैंपल पास किए जा रहे हैं और साफ एवं बिना तेवड़ा वाले चने की उपज को भी फेल कर खरीदने से इनकार किया जा रहा है। जब इस संबंध में सर्वेयर एलसी अहिरवार से किसानों की समस्याओं को लेकर प्रश्न किया गया तो सर्वेयर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और पत्रकार सुरेंद्र सिंह रघुवंशी से ही अभद्रता करते हुए किसानों के साथ साथ उन्हें भी झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दे डाली। सर्वेयर द्वारा की जा रही अभद्रता और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने केंद्र से ही कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एसपी विनायक वर्मा, उप संचालक अमर सिंह चौहान, नोडल अधिकारी ओपी राय एवं खरीदी शिकायत केंद्र पर इसकी जानकारी दी। सर्वेयर स्वयं को केंद्र से हटाए जाने एवं अन्य अधिकारियों से चने की जांच पर अड़े रहने के बाद सर्वेयर से पत्रकार सुरेंद्र सिंह रघुवंशी सहित क्षेत्र के किसान महेंद्र कुर्मी, दीपक तिवारी, राकेश रघुवंशी सहित अन्य किसानों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने की झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसको लेकर आज प्रेस क्लब गंजवासोदा और भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम अलग अलग ज्ञापन दिए हैं, जिसमें निराधार और झूठी शिकायत की जांच कराकर प्रकरण का निराकरण करने की मांग की है। गंजवासोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। उपार्जन केंद्र पर हमारे पत्रकार साथी सुरेंद्र रघुवंशी किसानों की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और वहां किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने सर्वेयर महोदय से कुछ चर्चा की थी, जो तीखी बहस में बदल गई और उसके बाद फिर सर्वेयर ने किसानों के साथ पत्रकार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की और अभद्रता करने की। ये ड्यूटी करने के लिए आना नहीं चाह रहे थे और इन्होंने फर्जी मेडिकल बनाकर प्रस्तुत किया था, तो जानकारी मिली है कि संबंधित डॉक्टर को भी नोटिस जारी हुआ है और इनको भी नोटिस जारी हुआ है।